अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर अमीन फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है और हमारी वीडियो का जो आज का टाइटल है वो है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स। उनमें हम तीन कैटेगरी के प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे। थ्री डिफरेंट साइजेज हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के, जिनमें 125 स्क्वायर यार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल 125 स्क्वायर यार्ड की बात करेंगे, फिर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे, और थर्ड ये कि हम 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जिन प्रीसेंट्स में हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। वो कौन से प्रीसेंट हैं जिनमें इस वक्त आप लो कॉस्ट और लो बजट के अंदर प्लॉट परचेज करें और विद इन फ्यू मंथ या आफ्टर वन ईयर कह लें उसमें आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। लो रिस्क इसलिए कहा या आप कह लें कि ज़ीरो रिस्क नहीं कहा। ज़ीरो रिस्क इसलिए नहीं कहा क्योंकि कुछ इन्वेस्टर या परचेजर जो भी होते हैं वो प्लॉट को परचेज करके फ़ौरन से उसे सेल करना चाहते हैं, मतलब कि एक हाथ वो ट्रांसफ़र लेते हैं या फिर वो बयाना कर देते हैं और उसी मंथ के अंदर अंदर वो कहते हैं कि इसको सेल करना है हमने, तो हमें कोई इसमें रिवॉर्ड मिल जाए, तो इसलिए हमने ज़ीरो। इसमें यह भी हो सकता है कि मे बी विद इन फ्यू डेज फ्यू मंथ उसमें बेहतरी आए, बहुत तेज़ी से आए, और ये भी एक चांस है, बट हम उस चांस को मद्देनज़र रखते हुए कि आप एटलीस्ट एक प्लॉट परचेज़ करें और विद इन फ्यू मंथ उसको, कुछ मंथ 6 से 8 महीने अगर आप अच्छा रिवॉर्ड लेना चाह रहे हैं, फिर 1 साल तक उसे होल्ड करें, उसके बाद आपको इसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल सकता है और अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। मार्केट में ये इसलिए मैं मतलब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मार्केट में बेहतरी दिखती हुई नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि बहरिया के जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब जो भी इश्यूज केसेस थे वो तो रिजॉल्व हो गए, उसके बाद फिर बहरिया ने 35% लगाया, उसका भी इशू ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो मार्केट क्रैश हुई वो कोरोना की वजह से हुई, और अगर आप पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट, हर किस्म की मार्केट क्रैश हुई, और अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और जो कोरोना के केसेस वगैरह थे जो भी था, जो रेशो थी पाकिस्तान में वो अब बतदरीज पहले से अब बहुत ज़्यादा कम गिरती हुई नज़र आ रही है, बल्कि लोग जो हैं वो मतलब उनके जहनों से कोरोना का जो खौफ था वो ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्रीसेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रीसेंट 15A और प्रीसेंट 15B के हवाले से। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, साइज़ की बात करें और डिस्टेंस वाइज जो और यहाँ का जो डेवलपमेंट स्टेटस है उसके हवाले से बात करें, तो बड़ा अच्छा, मतलब आप अगर कह लें कि पहले वो प्रीसेंट्स हैं या 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग जो सबसे पहले हुई है वो इसी फेज़ के अंदर हुई है जहाँ पे अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 14-15 है और प्रीसेंट 15-15A है। तो सबसे पहले फेज़ के अंदर यही प्रीसेंट आते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के। अगर हम बात करें इसके मेन गेट से, एंट्रेंस से लेके डिस्टेंस वाइज इसकी इन पेशेंट्स को कितना डिस्टेंस है मेन एंट्रेंस से, तो 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बिल्कुल ग्रैंड जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने राइट साइड पे प्रीसेंट 15 और 14 की बैक साइड पे ये प्रीसेंट्स हैं। अगर हम इनकी अट्रैक्शन की बात करें तो बहरिया ने यहाँ पे मतलब एक तो ओवरहेड ब्रिज आपने वहाँ पर देखा होगा जो कि ओल्ड बिटी के को पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली वो ब्रिज जो है वो इन्हीं प्रीसेंट्स के लिए बनाया गया था जो कि प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 15 और प्रीसेंट 15B, 15A इनके एंट्रेंसेस वहाँ से देनी थी। तो काफ़ी अच्छा उनके जो है प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है, अट्रैक्शन है, यही उसको मज़ीद बेहतर करती है दूसरी प्रॉपर्टीज से, कि आपके प्लॉट की अप्रोच इजी है, आपके प्रीसेंट्स की जो अप्रोच है वो इजी है। तो इनके अगर हम डेवलपमेंट स्टेटस की आप बात करें तो बहरिया ने यहाँ पे अच्छा खासा काम कर दिया। रोड स्ट्रीट पहले, अगर आप आज से 2-3 माह पहले जाएं तो यहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती थी, कुछ भी नहीं बना हुआ था, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी यहाँ पर रेट्स जो हैं वो लो हैं, काफ़ी कम रेट्स हैं, आप यहाँ पे परचेजिंग करें और आपका जो डेवलपमेंट स्टेटस है इस वक्त
यहाँ पे डस्टी रोड बन चुके हैं। 15A की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे रोड जो हैं वो डस्टी बन चुके हैं और पक्के मतलब स्ट्रीट्स जो कंक्रीट की और दूसरा काम स्टार्ट होना, यहाँ पे काम जो है वो कह लें कि 40-50% हो गया है। बस अब इन्होंने सिर्फ रोड्स और डीपी जो मतलब आपके यूटिलिटी और दूसरे कनेक्शंस जो होते हैं उनके कनेक्शन के लिए वहाँ पे एक बॉक्स लगाना होता है, वो उस लेवल पे काम चला गया। यहाँ पे हम अगर अब रेट्स की बात करें 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की, तो पोजीशन 15A और 15B में इस वक्त मिनिमम प्लॉट हमें 17-18 लाख का मिल जाता है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 15A में इस वक्त कैटेगरी प्लॉट हमें 19 लाख तक मिल जाता है और मैक्सिमम 20 लाख तक मिल जाता है। और अगर हम 15B की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर मतलब कैटेगरी जिसे कहा जाता है, कॉर्नर के प्लॉट्स भी हमें 18-19 लाख में इजीली मिल जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है इन पोजीशन में परचेजिंग का। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन 27। पोजीशन 27 बिल्कुल पोजीशन 15 और पोजीशन 15A B के साथ ही एडजेसेंट में प्रीसेंट है। जैसे ही आप अली ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पे पहला प्रीसेंट आता है प्रीसेंट 27। प्रीसेंट 27 इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि यहाँ पे बहरिया के ऑलरेडी जो विलाज बने हुए हैं उनमें बहरिया ने पोजेशन दे दिया है, फैमिलीज मूव होना शुरू हो गई हैं, घर भी बन रहे हैं। यहाँ पे 10 से 12 घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनमें से 2 कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इन प्लॉट्स की मतलब वो लोकेशन जो है वो इतनी अच्छी है कि फ्रंट पे भी इनके विलाज हैं और बैक साइड पे भी विलाज हैं, बीच में बहरिया ने प्लॉट्स दिए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट 125 स्क्वायर यार्ड के। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, अट्रैक्शंस की बात करें, तो ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है। इसके राइट साइड पे डांसिंग फाउंटेन है जो कि मोनूमेंट है बहरिया का और बहुत जल्द इसको ओपन भी मतलब आफ्टर 12 अगस्त ये चीज़ें सब ओपन भी हो जाएंगी, जैसे कि डेंजू हो गया, थीम पार्क हो गया, आपका एफिल टावर हो गया, डांसिंग फाउंटेन हो गया, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो इसकी वजह से भी मार्केट में बेहतरी नज़र आ रही है, लोग आएंगे, देखेंगे, मूव होंगे, तो इन चीज़ों से बड़ी मतलब बेहतरी की तरफ मार्केट दिखती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर इनके रेट्स की बात करें, 27 प्रीसेंट 27 के प्लॉट्स के 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं इनके रेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मिनिमम प्लॉट 16.5-17 लाख में मिल जाता है जो कि बैक साइड के प्लॉट्स हैं। आप उन्हें थोड़ा बैड लोकेशन भी कह सकते हैं लेकिन उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ थोड़ी कम हुई है, वहाँ पे सीवरेज का काम कुछ बाकी है या स्ट्रीट अभी कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ पे आपको प्लॉट मिनिमम 16.5-17 लाख का मिल जाता है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मेन जिना एवेन्यू के पास जो प्लॉट है वो काफ़ी हाई मतलब अगर इनके हम 6-8 में पहले की बात करें तो यहाँ पे 35 लाख तक के भी प्लॉट आए थे। और इसी तरह पिछले 15AB की बात करें तो यहाँ पे आज से 6-8 माह पहले 22-23 लाख का प्लॉट मिलता था, इससे कम प्लॉट नहीं मिलता था कोरोना से पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट टाइम है आप इसमें इन्वेस्ट करें। आपको पिछले 27 में जो प्लॉट है 18 लाख तक और मैक्सिमम आपको 20 लाख तक एक जनरल प्लॉट, अच्छा प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट जहाँ आप घर बना सकते हैं आपको मिल जाएगा। मज़ीद आगे हम बात करते हैं पिछले 26A। व्यूअर्स कुछ लोगों के आप लोगों के माइंड में भी एक सवाल आता होगा, प्रीसेंट 26A तो डिस्प्यूटेड लैंड है, कुछ पार्शल एरिया जो था इसका वो डिस्प्यूटेड एरिया में आ गया जब डिमार्केशन हुई। लेकिन उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ जो कि एक्सपेक्टेड ये है, कहा यह जाता है चूँकि वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, हम आपको पिक्चर्स में भी दिखाएंगे, वीडियोज़ भी आपको दिखाएंगे वीडियो के दौरान के, उसमें एक बिल्डिंग बनी है, एक्सपेक्टेड यही है, सुनने में ये आ रहा है, लोग भी यही कह रहे हैं और इवन के कुछ बहरिया के अपने जो हमारे दोस्त भी हैं जो मुलाजमीन है बहरिया के वो भी यही कह रहे हैं कि इन फ्यूचर ये हेड ऑफिस होने वाला है, जो अभी हेड ऑफिस है ये चेंज हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे। तो लोगों का रुझान वहाँ बढ़ेगा, वहाँ जाएंगे, ट्रांसफर पर जाएंगे, जो भी हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम है लोगों का तो वहाँ जाएंगे और वो देखेंगे। तो इस वजह से भी प्रीसेंट 26A रिकमेंड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, एक तो ये बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है, इसकी अट्रैक्शन में सबसे मेन अट्रैक्शन यही है कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिल्कुल गोल्फ के साथ टच हो रहा है, एडजेसेंट में इसके गोल्फ है और ऑन ग्राउंड प्रीसेंट है, यहाँ पे कोई भी प्लॉट जो है वो ऑफ ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट जो है अगर हम इसके रेट्स की बात करें
तो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट प्रीसेंट 26A में आपको मिनिमम 18 से 19 लाख का मिलता है। अगर आप जिना की तरफ आएंगे तो 20 से 22 लाख की ब्रैकेट में आपको एक जनरल प्लॉट मिलेगा। अगर हम 6-8 माह पहले की बात करें तो यहाँ हमें प्लॉट मिलता था मिनिमम 24, 25, 26 लाख, ठीक है, और अब यहाँ पे 6 से 8 लाख रुपए जो है वो मार्केट डाउन है। यहाँ पे आप अभी परचेज करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आफ्टर 6 to 8 मंथ यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और अब हम बात करेंगे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से। 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जिन प्रिसेंट में आप मतलब वहाँ पे मोस्ट ऑफ आप कह लें कि हॉट केक्स भी कहा जाता है इन प्रीसेंट को, प्रीसेंट 6, 8 और 16, तीनों प्रीसेंट्स, इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो अच्छी या अच्छी खासी है। मतलब मिनिमम भी यहाँ प्लॉट हमें, अगर प्रीसेंट 16 की बात करें तो यहाँ हमें प्लॉट मिनिमम मिलता है 43-45 लाख की ब्रैकेट में, और 6 की बात करें या 8 की बात करें तो यहाँ हमें मिनिमम 52-55 लाख की ब्रैकेट में एक प्लॉट मिलता है। लेकिन चूँकि लोग मूव कर रहे हैं, बहरिया में आबादी बढ़ रही है, बहरिया ने पोजीशन भी देना शुरू कर दिया, लास्ट डेट इनकी 30 जुलाई थी, उसके बाद अभी फिर इन्होंने कुछ एक्सटेंड की है, लोग धड़ाधड़ मतलब पोजीशन ले रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको अक्सर प्लॉट आप परचेज करने जाएंगे तो आपके जो यहाँ पे प्लॉट मिलेंगे वो पोजीशन और यूटिलिटी पेड प्लॉट मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि लोगों ने पोजीशन ले ली है। तो ये तो वो प्लॉट प्रीसेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी भी हम वीडियोस बना चुके हैं और आपको इसके बारे में आगाह भी किया है। इसमें जो अहम प्रीसेंट्स हैं जिनको मैं समझता हूँ आप लो रिस्क लो बजट और हाई रिवॉर्ड में आप इसमें मतलब आफ्टर 6 मंथ to 8 मंथ इसमें अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं, वो है प्रीसेंट 30 और प्रीसेंट 22। पहले हम बात करेंगे प्रीसेंट 30 की, मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या इसकी वजह क्या है। यहाँ पे प्लॉट आज से 6 से 8 माह पहले या मैक्सिमम 10 माह पहले यहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट्स थे, मिनिमम प्लॉट यहाँ पे 36-37 लाख का मिलता था एक जनरल प्लॉट, ठीक है, मैं जनरल प्लॉट की बात कर रहा हूँ, वो ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं थे जिनके ये रेट्स थे। बीच में फिर कुछ मार्केट्स में अप एंड डाउन आए, कोरोना आया और उसकी वजह से रेट्स बहुत ही गिरे। अब यहाँ पे प्लॉट मिनिमम हमें मिल जाता है 25-28 लाख की ब्रैकेट में, ठीक है। ये वो प्लॉट हैं जो प्रीसेंट 30 की बैक साइड के प्लॉट हैं। एक तो मेन जिना एवेन्यू के जो एरिया लगता है 100, 200, 300 सीरीज़ है और 1100, 1200 मतलब 1300 सीरीज़ है, ये प्लॉट्स अच्छे हैं। इनकी बैक साइड के प्लॉट जो हैं 2400 सीरीज़ होगी, जैसे 2300 सीरीज़ होगी, 2600 सीरीज़ होगी, ये प्लॉट्स हमें मिनिमम इस वक्त 25 से 26 लाख में इजीली मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमें आफ्टर 6 to 8 मंथ आराम से 6 से 8 लाख का रिटर्न मिल सकता है और आउटपुट मिल सकता है, अच्छा एक अच्छा खासा रिटर्न है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है। अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो प्रीसेंट 28 है, डांसिंग फाउंटेन है वहाँ पे, फ्रंट पे देखें तो गोल्फ व्यू है, तो एक अच्छे खासे ऑन ग्राउंड। और मज़े की बात यहाँ पे बहरिया की तरफ से भी कंस्ट्रक्शन अलाउ है, यहाँ पे ऑलरेडी घर भी बन रहे हैं, 2 घर इस वक्त बन चुके हैं, कंप्लीट बन चुके हैं, बाकी की डिगिंग्स वगैरह हुई हैं, काम स्टार्ट है यहाँ पे। और मज़ीद अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसके राइट साइड पे बिल्कुल प्रीसेंट 31 है, वहाँ पे बहरिया की तरफ से होम्स बनाए गए हैं और बहरिया ने वहाँ पे पोजीशन भी दे दी है, फैमिलीज जो है वो मूव होना शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और 5 से 7 फैमिलीज वो इस वक्त वहाँ पे मूव हो चुकी हैं। मज़ीद अब हम बात करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के कुछ प्रीसेंट जिनमें आप लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा, चूँकि लो कॉस्ट है और लो प्राइस है, तो प्रीसेंट 33 की मैं बात करूँगा। अगर हम इसकी अट्रैक्शंस और लोकेशन की बात करें, डिस्टेंस वाइज की बात करें, तो ये मेन एंट्रेंस से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसके फ्रंट पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं जहाँ बहरिया की तरफ से पोजीशन मिल चुका है, वहाँ पे फैमिलीज मूव हो चुकी हैं। सबसे ख़ास और अच्छी बात जो है वो इसमें यह है कि यहाँ पर शॉपिंग गैलरी भी बहरिया ने बना दी है, इस वी प्रीसेंट के अंदर शॉपिंग गैलरी बन चुकी है। अगर हम आज यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करते हैं 33-35 लाख में हमें मिनिमम यहाँ प्लॉट मिल जाता है, मैक्सिमम हमें 42 लाख तक का प्लॉट मिलता है, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो कि
अगर हम इसका कंपेरिजन करें 250 स्क्वेयर यार्ड के प्लॉट से, तो यहाँ पे हमें 250 स्क्वेयर यार्ड के प्लॉट के प्राइस में 500 स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है, जो कि हम प्रीसेंट 16 या प्रीसेंट 6-8 में लेते हैं। 16 से अगर हम बात करें तो इस प्रीसेंट को 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसी प्रीसेंट का। तो ये रेट वाइज भी आपको रेट में भी बेहतर रेट में बड़ी जगह मतलब डबल एरिया मिल जाता है। और अगर हम इसके रेट्स की बात करें पास में क्या रेट्स थे, तो अगर साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम प्लॉट हमें 40-42 लाख का मिलता था, क्योंकि बहरिया ने भी 42 लाख में लॉन्च किया था। वैसे तो 46 था, बट बहरिया ने 4 लाख जो है इसमें डिस्काउंट दिया था और 42 लाख इसकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स थी। तो इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे प्लॉट लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर स्टेडियम का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस वक्त 60-70% 75% तक काम हो चुका है, बेस बन चुकी है, ग्राउंड बन चुका है, टोटली काम हो चुका है, मतलब सीटिंग तक काम हो चुका है, सीटिंग भी बन चुकी है स्टेडियम की। तो 50,000 प्लस जो है यहाँ पे ऑडियंस होंगे, जो व्यूअर्स होंगे स्टेडियम के, 50,000 प्लस लोग यहाँ पे आराम से इस स्टेडियम के अंदर आ सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, कोई मतलब लोकल पाकिस्तानी स्टेडियम इसे नहीं कहा जा सकता। तो इसकी वजह से भी आपको भी पता है, जैसे किसी भी सिटी में हम चले जाएँ तो स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पर भी है उसके सराउंडिंग में, लाइक हम कराची ही ले रहे हैं, तो उसके सराउंडिंग में जो भी सोसाइटी जो भी प्रॉपर्टी है कितने एक्सपेंसिव है और कितने ही अच्छे उनके रेट्स हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाते हैं 2-3 साल, तो ये आपको डबल ट्रिपल अपनी प्राइस से जो है वो डबल ट्रिपल ही मतलब इसकी कॉस्ट होगी। और अच्छे खासे यहाँ पे प्लॉट 72-1 करोड़ की ब्रैकेट के प्लॉट होंगे, जो कि अभी 33-42 लाख की ब्रैकेट के प्लॉट्स हैं। अगर हम 4-5 ईयर बाद देखते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्लॉट्स हैं। आगे हम बात करेंगे प्रीसेंट 37 की, जो कि 500 स्क्वायर यार्ड का ही प्रीसेंट है और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आता है, ऑन ग्राउंड प्रीसेंट है, टॉप हाइट का प्रीसेंट है। यहाँ से आपको स्पोर्ट सिटी इवन के गोल्फ और सॉरी गोल्फ कह गया मैं डांसिंग फाउंटेन तक आपको टोटली एरिया नज़र आता है बिल्कुल फ्रंट पे। हाइट के ये प्लॉट्स हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे मिनिमम हमें इस वक्त 55-60 लाख का प्लॉट मिल जाता है। ऑन ग्राउंड आप घर भी बना सकते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल फ्रंट पे इसके मेन जिना एवेन्यू है इसके अट्रैक्शंस में। बैक साइड पे आपको पता है एफिल टावर भी प्रीसेंट 37 के अंदर ही है, जहाँ पे अच्छा खासा कमर्शियल वेरिया ने लॉन्च किया और वो सेल भी हो गया। 45 करोड़ का एक कमर्शियल था 500 स्क्वायर यार्ड का। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर इन प्लॉट्स के क्या रेट्स होंगे, जहाँ पे कमर्शियल ही 45 करोड़ का। तो ये इनके रेट्स पहले आज से 6-8 माह पहले या साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम प्लॉट हमें 90-95 लाख का मिलता था, जिस वक्त ये ऑन ग्राउंड नहीं थे। अभी ये हाफ प्राइस में तकरीबन आ चुके हैं, 55-60 लाख के ब्रैकेट में। इसमें ये भी है कि कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो कि ओपन फॉर्म है, बहरे की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। 80 लाख का प्लॉट है, उसमें आपको बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के जो प्लॉट्स हैं वो मिलेंगे। ओपन फॉर्म है, फर्स्ट ट्रांसफ़र है, आपके नाम ही वो ट्रांसफ़र होंगे, फर्स्ट ऑनर आप ही होंगे, उसके ना ट्रांसफ़र फ़ीस लगेगी, ना उसका टैक्स पे करना होगा और ना ही कोई और चार्जेस आपको पे करने होंगे, फर्स्ट ऑनर आप ही होंगे, और वो 80 लाख का है। बट यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है वो 55-60 लाख की ब्रैकेट है। मज़ीद हम बात करते हैं बहरिया गोल्फ सिटी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट बहरिया गोल्फ सिटी में भी हैं। एक अलग ही उसका व्यू है, आप कह रहे हैं कि बहरिया में मोस्ट ग्रीन एरिया जो है, जहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, लेक्स हैं, गोल्फ क्लब है, गोल्फ कोर्स है, गोल्फ क्लब का रिसेंटली इफ्तिताह हुआ, ओपनिंग हुई। और अगर हम गोल्फ की बात करें तो वहाँ मिनिमम प्लॉट ऑन ग्राउंड जहाँ आप घर भी बना सकते हैं 55 लाख का मिल जाता है। बहरिया ने इसे 85 लाख में लॉन्च किया। लोकेशन वाइज रेट्स हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के भी 55 लाख में भी मिल जाता है, 65 में मिल जाता है, 80 में भी मिल जाता है, 1 करोड़ तक के रेट्स हैं, जो कि मेन एंट्रेंस के पास या गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स हैं। अब चूँकि प्लॉट लेना गोल्फ के अंदर है, या मतलब लोकेशन तो सेम है, बस ये कि थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज फ़र्क है, जो गोल्फ फेसिंग है या व्यू का थोड़ा सा फ़र्क है, बट ये कि प्लॉट सब सेम है, सबकी लोकेशन सेम है, एक ही कम्युनिटी है और सब उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर लो कॉस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ हाँ प्लॉट मिनिमम 55 लाख का मिल जाता है,
और यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 15 से 20 घर जो है वो बन रहे हैं गोल्फ के अंदर, 500 स्क्वायर यार्ड के मजीद भी हैं, 1000 और 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी हैं। अभी हम 500 स्क्वायर यार्ड की बात कर रहे हैं चौके, और 500 स्क्वायर यार्ड के जो रेट्स हैं वो मिनिमम 55 लाख है। मजीद हम बात करेंगे प्रीसेंट 27A, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड आप कह लें कि 500 स्क्वायर यार्ड के लो कॉस्ट में जो अच्छे प्रीसेंट्स हैं उनमें से एक ये भी माना जाता है कि एक अच्छी प्राइस में मेन जिना एवेन्यू के ऊपर भी बैक पे गोल्फ है, फ्रंट पे मेन जिना एवेन्यू है, फ्यूल पंप बिल्कुल करीब है, डिस्टेंस अगर हम कहा जाए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हम जा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्शन वाली हैं। अगर हम 27A के अट्रैक्शन की बात करें, लोकेशन की बात करें, डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें, तो ये मेन एंट्रेंस से अगर इसका हम डिस्टेंस लगाएं तो 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। जैसे ही आप अली ब्लॉक क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं, लेफ्ट साइड पे पहला प्रीसेंट जो आता है मेन जिना एवेन्यू पे, वो प्रीसेंट 27A है। आप प्रीसेंट 27A के अंदर रहते हुए भी गोल्फ का व्यू देख सकते हैं, आप गोल्फ का मज़ा ले सकते हैं। एक ही एंट्रेंस है, दोनों की दो साइड से एंट्रेंस है प्रीसेंट 27A की। एक तो वो जो कि गोल्फ वाली साइड से है वो थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, और दूसरी एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल जो ब्रिज बना हुआ है उसके साथ ही है। अब हम इसके डेवलपमेंट स्टेटस की बात करते हैं। डेवलपमेंट स्टेटस इसका 90% प्लॉट जो है वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड है, 10% वो प्लॉट हैं जो बहरिया ने न्यू डील ली थी, और उसके प्राइस रेंज जो है वो 50 लाख या 48 से 50 लाख में आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है जो कि अभी बनने हैं, ऑफ ग्राउंड है, लैंड है बहरिया के पास, लेवल किया हुआ है, बट अभी वहाँ पे रोड या स्ट्रीट या सेवरेज का काम नहीं हुआ हुआ, तो ये थोड़ा बहुत काम बाकी है। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं वो हमें मिनिमम यहाँ पे 52 से 55 लाख की ब्रैकेट में मिल जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ है, आप घर बना सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 से 3 घर, क्योंकि ये प्रीसेंट अभी डिवेलप हुआ है, 5 से 6 मंथ हुए हैं, तो यहाँ पर डिवेलपमेंट स्टेटस जो है वो थोड़ा सा स्लो था। अब जाके यहाँ पर डिवेलपमेंट स्टेटस 90% कम्प्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर घर बना सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे आप दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।